नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौहान एक बार फिर आप सभी का आपके अपने सफर अनलिमिटेड में हार्दिक स्वागत करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य निर्मित के हेतु अपनी कुशलता और पराक्रम के साथ जो पहला किला जीता, स्वराज्य में शामिल हुआ पहला किला जिसका नाम है तोरणा, जिसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास की गवाही देते हुए ये किला आज भी सीना तान के खड़ा है। तो चलिए आज डिस्कवर स्वराज में एक ऐसे ही ऐतिहासिक सफर पे जाते हैं, किले तोरणा के सफर पे। तोरणा जाने के लिए आपको पुणे से बेलेगांव जाना है। पुणे से इस गांव की दूरी 60 किलोमीटर की है, जो कि लगभग 2 घंटे का रास्ता है। दोस्तों, अब हम बेलेगांव के यहाँ पे पहुंच गए हैं, जो कि किले के यहाँ का बेस विलेज है। दोस्तों, सामने अपनी मंजिल दिख रही है, वही है तोरणा फोर्ट। हमने नीचे बाइक लगाई और अब यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो चारों तरफ देख रहे हो, ये तोरण जाति के पौधे हैं। शायद इन पौधों की वजह से भी इन किले का नाम तोरणा रखा है, ऐसा माना जाता है। चलते 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 वहाँ ऊपर मतलब ज़्यादा टफ भी है, और दूसरी बात खड़ी चढ़ाई है, तो 5-10 मिनट चलने के बाद आपको रुकना पड़ता है। इतिहास की गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलता है 1670 के करीब हिंदुस्तान पे इदल शाही, कुतुब शाही, निजाम और मुगल, इन चारों साम्राज्य ने हिंदुस्तान के अन्य राजाओं को दबा के रखा था। दक्खन में तो दूर दूर तक कोई हिंदू राजा का राज्य दिख नहीं रहा था। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले, उनके अंदर तो स्वराज्य का सपना पनप रहा था, पर उनकी कोशिशें उनके सपने को साकार नहीं कर पा रही थी। उन्होंने स्वराज्य का बीज उस वक्त इस महाराष्ट्र की धरती में बोया। शिवाजी महाराज ने उस बीज को इस धरती में पनपने दिया, और कितने वीरों ने अपने खून से, अपने बलिदान से इस बीज को सींचा, और देखते ही देखते ये बीज स्वराज्य के विशाल पेड़ में बदल गया। और एक दिन ऐसा आया कि लगभग पूरे हिंदुस्तान पे मराठाओं ने अपना केसरिया परचम फहराया। बिनी दरवाजे से कुछ समय चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच जाते हैं महादरवाजा, मतलब मुख्य प्रवेश द्वार के यहाँ पे, जो कि एक गोमुख दरवाजा है। गोमुख मतलब गाय अपनी गर्दन घुमाती है, वैसे आकार में बनाया हुआ दरवाजा जो कि दुश्मन को आसानी से दिखाई नहीं देता है। अंदर एंट्री करने के बाद हमारे सामने दो पगडंडी दिखाई देती है, एक जाती है झुंझार माची के यहाँ पे, तो दूसरी बुदला माची के यहाँ पे। हम जा रहे हैं झुंझार माची के यहाँ पे। झुंझार का मीनिंग है कॉम्बेटिव, जुझारू। माची की तरफ आगे बढ़ते वक्त एक संकरे रास्ते से आपको गुजरना पड़ता है, फिर दिखाई देता है ये अद्भुत नजारा। शिवाजी महाराज ने जब ये किला जीता, तब उन्होंने इस किले में खुदाई करते वक्त और नए बिल्डिंग्स बनाते वक्त बहुत सारा खजाना मिला। उस खजाने का उपयोग उन्होंने सामने ही दिखने वाले राजगढ़ को बनाने के लिए किया, जो कि स्वराज्य की पहली राजधानी थी। दोस्तों, अभी जो हम पैच उतरे हैं नीचे झुंझार माची की तरफ आगे बढ़ने के लिए, मैं आपको दिखा दो कितना खतरनाक है।
माची एक जबरदस्त डिफेंसिव कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। माची मतलब पहाड़ की ऐसी जगह जहां से दुश्मन किले पे हमला ना करे, इसके लिए बनाई हुई एक मजबूत दीवार। इस माची में आपको चोर दरवाजा भी दिखाई देता है। युद्ध के समय या फिर आपातकाल में इसका उपयोग होता था। आज ये रास्ते बंद है, पर ये माची बाज की तरह पंख फैलाकर आज भी आपका स्वागत करती है।